शिवांगी जोशी के ऑन स्क्रीन पिता राजेश करीर हुए इमोशनल। 12 लाख की मदद मिलने पर फूट फूट कर रो पड़े शिवांगी जोशी के पिता। कहा, मैं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते टीवी जगत के कई सितारे आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। लगभग 2 महीने से बंद पड़ी टीवी शोज की शूटिंग की वजह से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का हाल खराब हो पड़ा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो काम है ना ही खर्च करने के लिए पैसा। ऐसे में कई टीवी सितारे सोशल मीडिया पर अपने फैंस से मदद की गुहार लगा चुके हैं। शिवांगी जोशी के सीरियल बेगूसराय में काम कर चुके राजेश करीर ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो के जरिए फैंस से 200 से 300 रुपए की मदद मांगी थी, जिसके बाद शिवांगी जोशी समेत बहुत सारे सितारों ने राजेश करीर की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। फैंस ने तो राजेश करीर की इतनी मदद कर दी है कि कुछ ही दिनों में बैंक अकाउंट में 12 लाख रुपए की राशि जमा हो गई है। इस बारे में बात करते हुए राजेश करीर काफी इमोशनल हो गए। एक मीडिया पोर्टल से बातचीत के दौरान राजेश करीर ने बताया, मेरे पास मदद मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में मैंने जिंदगी को चुना। जिंदगी को जीने का कोई ना कोई तरीका तलाश कर ही लेती है। इस बात को कहते हुए राजेश करीर की आंखों में आंसू आ गए। आगे राजेश करीर ने कहा कि मौत को चुनना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार था, मेरे बाद उनका ख्याल कौन रखता। ऐसे में मैंने ना चाहते हुए भी लोगों से मदद मांगी। ये काम करने के लिए खुद को मारना पड़ता है। मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैंने पूरी जिंदगी मुंबई में काम किया है। मैं इस उम्र में नए काम की तलाश नहीं कर सकता। मैं बाकी लोगों की तरह कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने घर पंजाब में रहना चाहता हूँ। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं पंजाबी फिल्मों में हाथ आजमाने की कोशिश करूंगा। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।